सो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज के साथ। क्या एजाज खान ने हर्ष बेनीवाल को दोबारा से ट्रोल कर दिया। तो होता ये है कि एजाज खान ने अपने एक फैन की रील को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था, जो कि ECL के टाइम पे है, जहां पर हर्ष बेनीवाल की टीम का मैच चल रहा है। एंड वहाँ पर एजाज खान का फैन हर्ष बेनीवाल को ट्रोल करते हुए क्या कहता है, आप देखिए। मुंबई में चले जाना एजाज खान कैरी मिनाटी वर्सेस एजाज खान एंड राजवीर सिसोदिया के बारे में। सो जब राजवीर सिसोदिया एजाज खान से फेस टू फेस मिले थे, तब वहाँ पर एजाज खान ने कैरी मिनाटी को अब्यूज किया था, जिसके बाद अब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं राजवीर सिसोदिया को कि उन्होंने कैरी मिनाटी के लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया एंड एजाज खान को कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। एंड इसी के साथ साथ राजवीर सिसोदिया को काफी ज्यादा हेट इसलिए भी मिल रहा है कि वो एजाज खान से जाकर गले मिल लिए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया एंड लोग ये कह रहे हैं कि ये सब एक फेक कंट्रोवर्सी थी। सो भी राजवीर सिसोदिया ने इन सारी चीजों के ऊपर इंक्लूडिंग कैरी मिनाटी रिप्लाई किया है एंड क्या कुछ कहा है आप देखिए। आधे लोग जो कह रहे हैं कि भाई कैरी मिनाटी को तेरे मुंह पे गाली देती, तू बोला कि मेरा मतलब कैरी मिनाटी मेरी बुआ का लौंडा लगा हुआ है। कैरी मिनाटी जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई। मैं वहां उससे अपनी बात करने गया हूं, ठेकेदार बन के थोड़ी गया हूं। कैरी मिनाटी का देता रहा जिस मर्जी गाली, मुझे क्या मतलब। मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था। एजाज खान को गले क्यों लगाया भाई। मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना और ना ही उसका अपमान करना। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी उतरते ही मेरे गले लग रहा, तो मैं तो गले लगाऊंगा ना। तो भाई वहां क्या हुआ होगा कि वहां पुलिस को आना पड़ा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी, भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहां से थाने चलो या दोनों गले मिलो। दो क्लिप दिख रही होंगी आपको गले मिलने की, एक पहले की एक बाद की। तो जब पहले मिले तो बाद में क्यों मिलना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने फोर्सफुली करवाया। ये मेरी लास्ट कंट्रोवर्सी थी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, थाना का दुश्मनी पालो दूसरों के लिए बोल के, दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना। फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कंट्रोवर्सी किया फॉलोअर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कंट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेवल के लिए आज के बाद स्टैंड। एंड टॉकिंग अबाउट एजाज खान वर्सेस राजवीर सिसोदिया, सो क्या ये पूरी कंट्रोवर्सी फेक थी। सो ऐसा इसलिए क्योंकि पुनीत ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि ये सारी कंट्रोवर्सी एक फेक ड्रामा थी, ताकि ये दोनों बिग बॉस में जा सके। एंड बाकी उन्होंने इस पर क्या कहा है आप देखिए। भाई ये एजाज खान और राजवीर ने, इन दोनों ने मिलकर पब्लिक का ऐसा बनाया बिग बॉस में जाने के चक्कर में कि इन्होंने फेक कंट्रोवर्सी कर डाली, पुलिस वालों का टाइम खराब और तुम लोगों का टाइम खराब। अब बेटा तुम दोनों ने ये जो फेक कंट्रोवर्सी करके लोगों का काटा है ना, तुम दोनों जिंदगी में बिग बॉस नहीं जा सकते। जिंदगी में लिख के ले लो, तुम्हारी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा अगर तुम बिग बॉस चले जाओ, क्योंकि बिग बॉस वालों को सब पता है कि तुम दोनों फेक कंट्रोवर्सी कर रहे थे। अब तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लेंगे बिग बॉस वाले, अब तो तुम ब्लैक लिस्ट हो जिंदगी भर के लिए बिग बॉस। अब तो तुम कोई और शो पकड़ लो छोटा मोटा। एंड टॉकिंग अबाउट एजाज खान वर्सेस राजवीर सिसोदिया, सो ये दोनों जब एक दूसरे से फेस टू फेस मुंबई में मिले थे, सो इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई, क्योंकि जो वीडियो आउट हुआ था वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ था, जिस वजह से इन दोनों में क्या बातचीत हुई वो बाहर नहीं आई थी। सो भी होता ये है कि एजाज खान ने अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो शेयर किया है, जहाँ पर उन्होंने उन क्लिप्स को शेयर किया है एंड वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या कन्फ्रंटेशन हुआ है। मैं आपको वहीं से एक क्लिप दिखा देती हूँ, आप देखिए। कोई बचकाना की दिक्कत है, ये छोटा बच्चा है। सुन, मेरा इससे कोई लेना देना, एक यूट्यूबर ने मेरा रोस्ट बनाया था। अरे थोड़ा वो कम मचा रहा है, क्यों सोन मत, खड़े हैं ना। अरे भाई साइड करो, नीचे बात कर। अरे भाई तूने बोला कि एक यूट्यूबर ने बिना शोज कराया था 4-5 साल पहले। अगर आपको कोई गाली देगा इनको अच्छा लगेगा, आप क्या करोगे? तो वो मुझे मिल रहा नहीं था, एक जगह मिल गया तो मैं उसको सॉरी बुलाया। और वो वीडियो आप देखना, उस वीडियो में मैं बोला जो भी माँ मेरा रोज करेगा मैं उसकी माँ को गलत बोला। तो ये आया बीच में, सबको क्यों बोल रहा, मैं भी शाना, मैं भी काना, पूछो बाद में। फिर अभी बोला भाग गया तू, मैं इसलिए गया कि मुझे मेरे एक मंत्री दोस्त तुम्हारे साथ बैठा था, उसने बोला
तिलक साहब अपने भाई है, यहाँ लफड़ा मत कर। सर 200 गाड़ियाँ अभी आ रही है, देख लेना खड़ी होगी यहाँ पे। उसने सिर्फ इतना बोला अपने भाई है, मैं उनसे खुद बात करता हूँ, तुम कहीं खाना खाने जा रहे हो किसी होटल में? तो बोले हम खा के आते, तो फिर हम तिलक साहब से मिलते, जो भी है वो बात करेंगे, वो उनका ही फंक्शन है, उसको कुछ नहीं। मैं बोला मेरे को इससे नाराजगी क्या है भाई, ये अपना शेर होगा जो भी होगा, हम भी बंबई के शाने हैं। एक मिनट नहीं मिलने का भाई, ये भाई छोटा भाई है, छोड़ उसको सूरज आप बताओ, आप फैसला करो, आप बड़े हो, आप बताओ। मैंने इसको कभी कुछ बोला नहीं, इसने मेरी माँ बहन को गाली दी, उपेंद्र राणा भट्ट के मोबाइल से मेरी बीवी को गाली दी, असली हरियाणवी ठाकुर है, इसको पूछो गलती किसकी है। सारे जो जो रोस्ट करेगा, जिसने सॉरी बोलेगा ये बात है, जो रोस्ट करेगा किसने भी मेरे बारे में बोला है, पहले पहले मुझे मैं यहाँ तुम बोलोगे तो मेरे भाई अभी तो मैं सुनो भैया, इनको ना एक मैं बता रहा हूँ, सुनो इनको दोनों को बैठाओ, दोनों को बैठाओ, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी यार, सुनो इन दोनों की है ना, अरे भाई यार फिर मैंने दस खड़े हुए हैं, मैंने दस क्या दस भाई शाम से मेरा खुद ना लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से छोटी बात भी अच्छी बात भी ना कई बार बनी समाज में, ठीक है ना, मुकदमेबाजी होती है, केस बाजी होती है, दोनों से लड़े आगे हो, दोनों नहीं नहीं ऐसा तो ब्रेक कर, चलो मैं बॉम्बे आऊँ तो क्या भैया आपसे मिल जाऊंगा, मैंने आओ भी मिलेंगे आपको, अरे अरे नहीं नहीं वो पता क्या, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ वाले लोगों की शक्लें ऐसे 100 नंबर वाली लगती है, शक्ल देख के चालू खड़े हो गए, 100 नंबर वाले इनको बुलाओ पहले और आपको खामा तंग करते हैं, तेरा का छूट का क्या है मेरे को बताना, यस यस आऊँगा ठीक है।